सभापति महोदय, स्त्रियों की सबलीकरण और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समूहों के प्रश्नों को केंद्र में लाने के लिए स्वैच्छिक संगठन जो भूमिका निभा रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। जो सामाजिक समूह बेहद गरीबी का जीवन जी रहे हैं उनको संगठित करके समाज के पास उपलब्ध संसाधनों के बेहतर ढंग से इस्तेमाल द्वारा स्वैच्छिक संगठन उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि स्वैच्छिक क्षेत्र इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का भी इस्तेमाल कर रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में स्व सहायता समूहों का गठन, सहकारी समितियों की संरचना, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों समितियों की संरचना का नियंत्रण कुछ ऐसे स्वैच्छिक प्रयास हैं जिन्होंने सम्मानपूर्ण जीवन यापन की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निकायों का ध्यान आकर्षित किया है। वस्तुतः सम्मानपूर्ण जीवन यापन की व्यवस्था करना संसाधनों की उपलब्धता की बजाय राजनैतिक संकल्प शक्ति पर अधिक निर्भर करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वैच्छिक क्षेत्र का यह दायित्व है कि वह अपने देश के राजनैतिक सामाजिक नेतृत्व को इस दिशा में ठोस कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करे। उन्हें अपनी इस चिंता से अवगत कराएं कि यदि आर्थिक दृष्टि से बेहद कमजोर लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू नहीं किए गए तो ऐसे लोगों का समूची व्यवस्था पर से विश्वास समाप्त हो जाएगा। यह एक विस्फोटक स्थिति होगी। इस पर नियंत्रण रखना लगभग असंभव हो जाएगा। अतएव स्वैच्छिक क्षेत्र तथा राजनैतिक सामाजिक नेतृत्व आपसी सहयोग और समन्वय से ऐसी स्थितियां पैदा करें जिससे आम आदमी के सम्मानपूर्ण जीवन यापन की संभावनाएं बलवती हों। ऐसा करके ही हम अपने देशवासियों के मन में मानव अधिकारों के प्रति आस्था और विश्वास को मजबूती प्रदान कर सकेंगे। दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने विकास पूर्व की गतिविधियों को कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती सिन्हा इस अवसर पर मुख्य अतिथि थी। श्रीमती सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती सिन्हा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा, पर्व हमारी परंपरा है। हम पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। बोर्ड समाज के उपेक्षित और वंचित वर्गों तक विकास पर्व के दौरान अपनी गतिविधियां पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। अध्यक्ष महोदय, राजभाषा स्वर्ण जयंती का वर्ष समाप्त हो गया। इस वर्ष का हिंदी पखवाड़ा भी संपन्न हो गया, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगा लेना चाहिए कि राजभाषा हिंदी का विकास हो चुका है और अब हम चैन की सांस लेकर बैठ जाएं या पुनः अंग्रेजी में कार्य करना प्रारंभ कर दें। राजभाषा का प्रयोग हमारे संविधान के प्रति कर्तव्य निष्पादन की आवश्यकता है एवं हमारी मातृभाषा के प्रति प्रेम, हमारे देश प्रेम और हमारी अस्मिता का प्रश्न है। यदि हम सच्चे भारतीय कहलाना चाहते हैं तो हमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना होगा। उसका निरंतर बखूबी प्रयोग करते हुए गौरवान्वित अनुभव करना होगा। यदि हम हीन भावना के साथ अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं
तो हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम अपनी भाषा छोड़कर अन्य भाषा की दास्ता स्वीकार कर लें। अपना ही तो मन है, हम उसे मार सकते हैं। मार मार कर गुलामी की भाषा का प्रयोग करने की आदत डाल सकते हैं। अपनी तर्कमयी बुद्धि से ऐसे अनर्गल तर्क गढ़ सकते हैं जो हमें प्रसन्न कर दें तथा अन्य को संतुष्ट कर देने में हमारी सहायता कर सकें। वकालत करना आज हर व्यक्ति का स्वभाव बन गया है। खैर, हम सरकारी सेवा में हैं तो हमें राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व निभाना ही होगा। राजभाषा के लिए गठित संसदीय समिति का दौरा होने पर हमें उससे मुखातिब होना पड़ेगा। विभागीय हिंदी निरीक्षणों के दौर से गुजरना होगा। अगर हम राजभाषा का प्रयोग करते रहेंगे तो ये सब पड़ाव हमारे लिए सरल और सुगम रहेंगे। हमें किसी भी पड़ाव पर ना रुकने की आवश्यकता होगी और ना हमें झूठे तर्क देने की। राजभाषा हिंदी का प्रयोग हम निडर होकर कर सकते हैं और अपना मस्तक ऊंचा रख सकते हैं। अंग्रेजी का प्रयोग हमें किसी भी पड़ाव पर मुश्किल में डाल सकता है, झूठ बोलने को मजबूर कर सकता है। हमें सिर तो नहीं किंतु निगाहें अवश्य नीची करनी पड़ सकती हैं। हिंदी आप अशुद्ध लिखते हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि आप हिंदी अधिकारी नहीं हैं, आप अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। भाषा का तो सहारा आप विषय के प्रतिपादन के लिए ले रहे हैं। अंग्रेजी भी आप कितनी शुद्ध लिख लेते हैं, यह तो कोई अंग्रेजी भाषा पर अधिकार रखने वाला ही बता सकता है। व्याकरण के अनुसार चलने पर ही भाषा की शुद्धता होती है। अध्यक्ष महोदय, आज हम हिंदी अथवा अंग्रेजी में जो कुछ लिख व बोल रहे हैं वह मात्र अपनी बात समझाने के लिए। व्याकरण के अनुसार ना हिंदी चल रही है और ना अंग्रेजी ही। ऐसे युगांतर में आप राजभाषा हिंदी के प्रयोग से कतराएं कोई समझ की बात नहीं। राजभाषा हिंदी का प्रयोग यह कतई नहीं बांधता कि आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बंगला या अन्य किसी भाषा का प्रयोग ना करें। मुख्य प्रश्न है आपकी अपनी बात, अपना प्रतिपाद्य विषय समझाने का। आप अपने विचार लिखते समय रुके नहीं। हिंदी का शब्द ना मिले तो अन्य भाषा के शब्द का निसंकोच प्रयोग कर लें ताकि आपका प्रवाह ना रुके। अंग्रेजी भाषा में भी आज चपाती, दाल इत्यादि शब्दों का प्रयोग होने लगा है। चपाती शब्द का अनुवाद करते समय ना तो ब्रेड शब्द जमता था और ना लोप है। अंत में थक कर अंग्रेजी शब्द कोशों को चपाती और दाल जैसे शब्दों को आत्मसात करना पड़ा। राजभाषा हिंदी तो इतनी उदार है कि अन्य भाषा के शब्दों को आत्मसात करते करते अपनी वर्तमानी को भी बहुत लचीली बनाती चली गई। हिंदी लिखें या हिंदी, राजभाषा ने हिंदी को भी शुद्ध मान लिया। राजभाषा ने वर्तनी का सरलीकरण किया है। आधा माँ और आधा ना लिखने के स्थान पर इसने पहले वाले अक्षर पर बिंदु लगा देने को ही बेहतर मान लिया। यह सरलीकरण क्यों किया जा रहा है? उत्तर है आपको अंग्रेजियत से मुक्ति दिलाने के लिए।